कांग्रेस अधिवेशन की आज से शुरुआत हो गई है और इस अधिवेशन में आज पहले दिन संचालन समिति ने सब्जेक्ट कमेटी में तब्दील होकर अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा की। 17 और 18 मार्च का दिन महत्वपूर्ण होगा जब दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पार्टी अपने महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा करेगी। दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन और औपचारिक शुरुआत हुई है। दिल्ली में कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी की बैठक के साथ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही है और इस बैठक में यहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद हैं, साथ ही सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत जो स्टीयरिंग कमेटी के तमाम मेंबर जो कि अब सब्जेक्ट कमेटी में तब्दील हो गई है। बैठक इसमें उन विषयों पर चर्चा की जा रही है जो कि महाधिवेशन में लाए जाने हैं और कई महत्वपूर्ण विषय, जबकि 4 रेजोल्यूशन लाने हैं, चाहे वो आर्थिक रेजोल्यूशन की बात हो, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की बात हो जो कि राजनीतिक रेजोल्यूशन लाना है। इसके अलावा पहली बार इसमें शामिल हो रहा है रोजगार और गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ रेजोल्यूशन, साथ ही रेजोल्यूशन आएगा विदेश नीति को लेकर और इसी को लेकर ये सब्जेक्ट कमेटी यहाँ पर बैठक कर रही है और तालकटोरा स्टेडियम में जो कि महाधिवेशन होना है, 2 दिन चलना है और इसमें तमाम मुद्दों पर पार्टी विस्तार से चर्चा करेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रहे महाधिवेशन के लिए कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत 4 उप समिति और एक संविधान संशोधन कमेटी का गठन किया है। ये है राजनीतिक मामलों पर उप समिति, इसके अलावा आर्थिक मामलों पर उप समिति, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उप समिति, इसके साथ ही कृषि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर उप समिति बनाई गई है। सब्जेक्ट कमेटी की बैठक में विस्तार से उन सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है जो कि महाधिवेशन के दौरान आने हैं, यानी वो रिजोल्यूशन जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होने हैं उसको लेकर सब्जेक्ट कमेटी की बैठक में जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन कलम में बैठक हुई विस्तार से चर्चा की गई। जो सब कमेटीज जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रस्तावों पर काम किया है उनके अध्यक्ष, ये सब मिला जुलाकर कांग्रेस पार्टी की विशेष समिति का गठन होता है। 4 मुख्य प्रस्ताव ये निर्णय हुआ कि कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी और इन सारे प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा पार्टी ने की। राजनीतिक प्रस्ताव, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश नीति प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था पर एक प्रस्ताव, खेती बाड़ी, रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर एक और प्रस्ताव। सब्जेक्ट कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मिली, उन्होंने इन सभी प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा की। कांग्रेस के इस अधिवेशन में तय होगा कि पार्टी की दिशा विभिन्न मसलों पर क्या होगी। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद ये पहला अधिवेशन होगा। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, कृषि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन के मसले पर चर्चा होगी, साथ ही 4 महत्वपूर्ण राजनीतिक, इसके अलावा आर्थिक और विदेश नीति, साथ ही जो रोजगार गरीबी उन्मूलन से जुड़ा रिजोल्यूशन होगा वो प्रस्ताव लाए जाएंगे। किसानों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। आर्थिक प्रस्ताव में मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी जो कि खास तौर से रोजगार को लेकर सरकार पर, यहाँ पर विपक्ष होने के नाते कांग्रेस सवाल उठाती रही है, साथ ही मिशन 2019 की तैयारियों की झलक भी इस अधिवेशन में कांग्रेस के दिखाई देगी। कांग्रेस का ये अधिवेशन कई मायनों में अहम होगा। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद ये पहला अधिवेशन होगा जिनमें उनके अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी औपचारिक मोहर लगाएगी। साथ ही इस प्रस्ताव में जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी तो वहीं मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। इसी के साथ इसमें मिशन 2019 के तहत गठबंधन को लेकर पार्टी की तैयारियों की भी झलक मिलेगी। पार्टी के दिशा और विजन को लेकर इस अधिवेशन में काफी बातें अहम होंगी। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।